10.1 समतल दर्पण पर परावर्तन द्वारा प्रतिबिंब रचना। कोई भी समतल चमकदार सतह समतल दर्पण की तरह कार्य करती है। समतल दर्पण में दरअसल एक सिल्वर धातु की पतली सी परत होती है, जिसे सुरक्षित रखने के लिए एक और पारदर्शी कांच व दूसरी ओर गहरा रंग पोता जाता है। सिल्वर धातु प्रकाश का बहुत अच्छा परावर्तक होता है। यह दर्पण में परावर्तक तल का कार्य करता है। आपने परावर्तन के नियम पढ़े हैं, जिसके अनुसार पहला, परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। दूसरा, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। आइए हम क्रियाकलापों द्वारा इन नियमों को समझेंगे। 10.1.1 परावर्तन के नियमों का अध्ययन। पहला, परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है। आवश्यक उपकरण, प्लास्टिक या लकड़ी के खांचे में लगा ऊर्ध्वाधर समतल दर्पण, पीने, ड्राइंग बोर्ड, सफ़ेद कागज, बोर्ड पीने, थंब पिन, चांदा आदि। जब कोई प्रकाश किरण तल पर आपतित होती है तथा तल से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। किसी तल से प्रकाश का परावर्तन इन दो नियमों के अनुसार होता है। पहला, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब एक तल में होते हैं। दूसरा, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर होते हैं। विधि। पहला, ड्राइंग बोर्ड पर एक सफ़ेद कागज़ बोर्ड पिन की सहायता से लगा देते हैं। दूसरा, कागज़ पर एक समतल दर्पण को ऊर्ध्वाधर खड़ा करके उसके सहारे एक आधार रेखा M1 M2 खींच लेते हैं। तीसरा, M1 M2 के मध्य स्थित बिंदु O पर अभिलंब ON लंब M1 M2 खींच लेते हैं। चौथा, ON के साथ बिंदु O पर आपतन कोण ION बराबर 30 अंश कोण बनाती हुई रेखाखंड खींच लेते हैं। पांचवा, M1 M2 पर दर्पण को ऊर्ध्वाधर रखकर रेखाखंड IO पर दो ऑल पिन P1 एवं P2 ऊर्ध्वाधर गाड़ते हैं। छठवां, दर्पण में इन पिनों के प्रतिबिंब देखकर अभिलंब के दूसरी ओर दो ऑल पिन P3 एवं P4 इस प्रकार लगाते हैं कि पिन P1 एवं P2 के प्रतिबिंब तथा पिन P3 एवं P4 चारों एक ही सीधी रेखा में रहें। सातवां, पिन P3 P4 को हटाकर एक सीधी रेखा RO खींचते हैं। आठवां, चांदे की सहायता से परावर्तन कोण RON का मापन करते हैं। नौवां, अलग अलग आपतन कोण 30 अंश 35 अंश 40 अंश 45 अंश आदि के संगत परावर्तन कोण का मापन करते हैं। दूसरा, आपतित किरण अभिलंब तथा परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण दर्पण पर जिस बिंदु पर पड़ती है आपतन बिंदु कहलाता है। आपतन बिंदु पर दर्पण से बनने वाला अभिलंब व आपतित किरण जिस तल पर है परावर्तित किरण भी उसी तल पर होती है। यही परावर्तन का दूसरा नियम है। इस स्थिति में तीनों ही कागज़ के तल पर हैं। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि कागज़ की सतह दर्पण के तल के ठीक अभिलंब पर हो। चित्र में दर्पण को सतह पर सीधा खड़ा रखा गया है। आपतित किरण लाल रंग व अभिलंब के तल को पीले रंग में दर्शाया है। परावर्तन के दूसरे नियम के अनुसार परावर्तन किरण जिसे नीले रंग में दर्शाया गया है भी इसी तल पर होगी। यदि हम दर्पण को दिए चित्र अनुसार घुमा दें तो क्या होगा? अभिलंब कहाँ होगा? अभिलंब की दिशा को समझने के लिए किसी समतल दर्पण पर गोंद या मोम से एक माचिस की तीली को लंबवत चिपका लें। अब दर्पण को अलग अलग कोणों पर घुमाकर माचिस की दिशा यानी कि अभिलंब की दिशा को देखें।